मुख्यमंत्री आवास में आज रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें उपहार दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई बहनों ने 40 फीट लंबी राखी भेंट की। कार्यक्रम में सीएम ने सभी बहनों का स्वागत करते हुए कहा कि आज हम सब रानी दुर्गावती के नाम पर इकट्ठे हुए हैं और बीजेपी सरकार सभी महिलाओं को उन्हीं की तरह सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। सीएम ने कहा कि कल 10 तारीख को एक साथ पूरे प्रदेश में सिंगल क्लिक के जरिए बहनों के खाते में 1500 रुपए आ जाएंगे। 1,49,00,000 लाडली बहनों को रक्षाबंधन का उपहार दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि योजना बंद हो जाएगी। हम योजना बंद नहीं कर रहे, बल्कि राखी का त्योहार मनाने के लिए बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि कल से लेकर रक्षाबंधन तक प्रदेश भर में बहनों से राखी बंधवाएंगे। आज पूरे प्रदेश की बहने, सरपंच बहने रानी दुर्गावती के नाम पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में रक्षाबंधन का हवन पर्व मनाने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए। मेरे साथ यशस्वी मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, हमारी राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्रीमती राधा रानी सिंह जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, सुरेश पचूरी जी, सबके साथ हमने सब मिल करके रक्षाबंधन का उत्सव मनाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नागपंचमी के त्योहार के दिन के बावजूद भी पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में सरपंच बहनों ने आकर के रक्षाबंधन का उत्सव जो मनाया है, मेरी अपनी ओर से बहनों को चरणों में प्रणाम। और उम्मीद करेंगे जिस प्रकार से सरकार ने हमने सबने तय किया है कि हमारी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी बहनों से रक्षाबंधन का पावन पर्व अच्छे धूमधाम से मनाए, समाज के साथ मनाए और नारी सशक्तिकरण की दिशा में 250 रुपया प्रति बहनों को कल सिंगल क्लिक के माध्यम से 25,000 से ज्यादा स्थान पर एक साथ ये कार्यक्रम बनेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।